हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर वुडवर्ड मिशन रूल समझ चुके हैं। उसकी जो रूल्स हैं वो समझे हैं हमने फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए एंड फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ हम रेडी हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनकी एग्जाम्पल्स से वुडवर्ड मिशन रूल के थ्रू सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू कितनी कितनी आती है। ये एग्जांपल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का, जो सिक्स मेंबर का पार्ट है और जिसके लिए वैल्यू होती है बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। जो हमने प्रीवियस वीडियो में इसके जब रूल बताए थे तो उस वैल्यू स्टम लिखवाए थे मैंने, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू है 215 नैनोमीटर। उसके अलावा ये सिस्टम कंटेन करता है दो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, एक ये और एक ये, तो इसमें कह सकते हैं इसमें दो एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन है। मतलब एक एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन के लिए हमने ऐड करते हैं 30 नैनोमीटर, तो अगर दो एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन है तो हम 60 नैनोमीटर ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके अलावा ये डबल बॉन्ड जो है ये एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के लिए, तो एक्सोसाइक्लिक के लिए जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रूल में समझाया था, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आप 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं, तो 5 नैनोमीटर आप इसको यहां ऐड करेंगे। उसके अलावा अगर हम सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशंस देखने के पहले हमें पोजीशंस को असाइन करना पड़ेगा। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ये डिफरेंट पोजीशंस हैं आपके कीटोन्स की, और उसके अकॉर्डिंगली अल्फा पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बीटा पर एक सब्स्टिट्यूशन है, गामा पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, डेल्टा पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और डेल्टा से बियॉन्ड जाएंगे तब आपको एक सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी वैल्यू है अकॉर्डिंगली, जो रूल में आपको रूल लिखवाया था उसके अकॉर्डिंगली भी, अगर बीटा सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन अगर बीटा पर है तो वैल्यू आती है 12 नैनोमीटर, अगर डेल्टा या डेल्टा से बियॉन्ड अगर सब्स्टिट्यूशन है तो उसकी वैल्यू आती है 18 नैनोमीटर। उसके अलावा ये आपकी दो एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन तो है, उसके अलावा ये एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं होमोडाइन कंपोनेंट, तो इसमें एक होमोडाइन कंपोनेंट भी है जिसको आपको ऐड करना होगा। होमोडाइन कंपोनेंट ये इसकी टोटल वैल्यू है कंपाउंड की। नैनोमीटर इज द वैल्यू ऑफ दिस कंपाउंड लिमिटमैक्स, तो ये कंपाउंड अपनी लिमिटमैक्स वैल्यू 349 के आसपास शो करेगा। ये सेकंड एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है कीटोन का, और ये भी एग्जांपल है कीटोन जो सिक्स मेंबर है, तो ये सिक्स मेंबर कीटोन में एक अलग एग्जांपल है क्योंकि इसमें आपके पास दो तरह की अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम को कंसीडर करने की ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मानूं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इसको अपना सिस्टम मानूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जहां आपके पास दो ऑप्शन है अपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को चूज करने की, तो आप उस सिस्टम को चूज करेंगे जो आपको हाई वैल्यू दे, क्योंकि इस सिस्टम में कॉन्जुगेशन भी है, तो ये सिस्टम आपको हाई वैल्यू देगा इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू, इंस्टेड ऑफ दिस सिस्टम, तो आप इस सिस्टम को अपना मेन सिस्टम मानेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी डेल्टा वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो ये सिक्स मेंबर का पार्ट है, तो वैल्यू होगी इसकी बेस 215 नैनोमीटर, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम रूल में लिखवाया था प्रीवियस वीडियो में 215 नैनोमीटर। उसके अलावा एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से, एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है ये वाला, तो उसकी वैल्यू एक एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन भी होगी, तो उसके लिए आप ऐड करेंगे 30 नैनोमीटर। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन, देयर इज नो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यहां पर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपको उसके देखने हैं सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस के लिए ये पोजीशन है अल्फा, ये पोजीशन है बीटा, ये पोजीशन है गामा, और ये है डेल्टा। अल्फा पर एक सब्स्टिट्यूशन है, बीटा पर एक सब्स्टिट्यूशन है, गामा पर कोई नहीं है, डेल्टा पर एक है, तो एक अल्फा एक बीटा और एक डेल्टा पोजीशन पर है। तो अल्फा के होते हैं 10 नैनोमीटर फॉर अल्फा, 12 होते हैं फॉर बीटा, और 18 होते हैं फॉर डेल्टा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसमें, और कोई आपके पास पैरामीटर नहीं है जिसमें आप ऐड कर सकते हैं,
तो दोबारा देख लीजिए एक बार, सिक्स नंबर है इसलिए चांस 215 नैनोमीटर, एक एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन है तो 30 नैनोमीटर, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए कोई वैल्यू ऐड नहीं की गई। सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो अल्फा पर एक है, बीटा पर एक है और डेल्टा पर एक है, तो अल्फा की वैल्यू है 10 नैनोमीटर, बीटा की वैल्यू है 12 नैनोमीटर और डेल्टा की वैल्यू है 18 नैनोमीटर। तो ये टोटल वैल्यू है इस कंपाउंड के लैम्डामैक्स की, जो कि आएगी 285 नैनोमीटर के आसपास। तो ये कंपाउंड अपनी रिलेटिव वैल्यू शो करेगा 235 नैनोमीटर के आसपास। ये थर्ड एग्जांपल है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन जो है सिक्स मेंबर कीटोन है, तो इस सिक्स मेंबर कीटोन को अगर देखें तो उसकी बेस वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। उसके अलावा ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, तो वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मींस ये एक्सोसाइक्लिक है। उसके अलावा हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशंस, देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन नहीं है इसके अंदर कोई भी, तो हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ये अल्फा पोजीशन है, ये पोजीशन है बीटा, ये है गामा, ये है डेल्टा। अल्फा पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बीटा पर एक है, गामा पर कोई नहीं है, डेल्टा पर एक है, तो डेल्टा पर एक और बीटा पर एक। तो बीटा पोजीशन के लिए वैल्यू होती है 12 नैनोमीटर और डेल्टा के लिए वैल्यू होती है 18 नैनोमीटर। टोटल वैल्यू होगी, केवल दोबारा समझ लीजिए, 215 बेस वैल्यू, एक्सोसाइक्लिक टू वन रिंग 5 नैनोमीटर, सब्स्टिट्यूशंस बीटा पर एक, डेल्टा पर एक 12 और 18, उसके अलावा कोई और पैरामीटर इस पर अप्लाई नहीं होता है, तो उसकी टोटल वैल्यू होगी 240 नैनोमीटर। तो ये कंपाउंड अपनी रैंडम एक्स वैल्यू शो करेगा 240 नैनोमीटर के आसपास। उसके बाद एग्जांपल है फोर्थ, जिसमें जो आपको कीटोन है वो पार्ट ऑफ साइकिल नहीं है, वो एसाइक्लिक है, तो एसाइक्लिक के लिए भी मैंने पिछली बार आपकी वीडियो में लिखवाया था, एसाइक्लिक के लिए भी आपकी वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर, तो 215 नैनोमीटर फॉर एसाइक्लिक सिस्टम। उसके अलावा एक एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन है, आपके पास एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर। उसके अलावा अब हम देखेंगे सेपरेटिशंस, सेपरेटिशंस के लिए ये पोजीशन है अल्फा, ये पोजीशन है बीटा, ये पोजीशन है गामा, ये पोजीशन है डेल्टा। अल्फा पर कोई सेपरेटिशन नहीं है, बीटा पर कोई सेपरेटिशन नहीं है, डेल्टा पर, गामा पर एक है और डेल्टा पर दो है। तो वैल्यू हो गई आपकी गामा पर एक मतलब 18 और डेल्टा पर दो, 18 जमा 18 36 नैनोमीटर। उसके अलावा कोई और पैरामीटर्स पे अप्लाई नहीं होता, तो ये टोटल वैल्यू होगी आपके पूरे कंपाउंड की लैम्डामैक्स की 239 नैनोमीटर। तो ये कंपाउंड अपनी वैल्यू शो करेगा 239 नैनोमीटर के आसपास। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ई साइक्लिक सिस्टम है इसलिए 215 नैनोमीटर, एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन है इसलिए 30 नैनोमीटर। सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे, अल्फा पर कोई नहीं है, बीटा पर कोई नहीं है, गामा पर एक है तो 18 नैनोमीटर, डेल्टा पे दो है तो 18 जमा 18 36 नैनोमीटर। टोटल 299 वैल्यू इसकी बनती है लैम्डामैक्स की। ये सिस्टम भी सिमिलर है इस सिस्टम की तरह, ये भी एसाइक्लिक सिस्टम है, ये भी एसाइक्लिक कीटोन है, तो एसाइक्लिक कीटोन की वैल्यू बेस वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर, ये एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन है तो 30 नैनोमीटर। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा, ये है डेल्टा। अल्फा पर कोई नहीं है, बीटा पर कोई नहीं है, गामा पर एक है, डेल्टा पर एक है, तो एक गामा मतलब 18 नैनोमीटर, एक डेल्टा मतलब 18 नैनोमीटर और एक एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन कर चुके हैं पहले। टोटल वैल्यू हो गई 215 जमा 30, एक एक्सटेंशन है जमा एक सब्स्टिट्यूशन है गामा पर और एक सब्स्टिट्यूशन है डेल्टा पर, तो 18 जमा 18 तो ये हो गए 8, 10, 16,
281 नैनोमीटर, इसकी वैल्यू होगी। ये लास्ट एग्जांपल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का। इस सिस्टम में ये जो कीटोन है ये पार्ट है आपकी सिक्स मेंबर रिंग का, तो सिक्स मेंबर रिंग के पार्ट होने की वजह से जो इसकी बीस वैल्यू होगी वो बेस वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर जमा। ये डबल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं ये इसके लिए एक्सोसाइक्लिक है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक है, तो दो एक्सोसाइक्लिक हो गए मतलब 10 नैनोमीटर, क्योंकि हर एक एक्सोसाइक्लिक के लिए हम लेते हैं 5 नैनोमीटर, तो ये 10 नैनोमीटर हो गया। उसके अलावा देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, तो एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन की वैल्यू हम कोई इसमें ऐड नहीं कर सकते। उसके अलावा अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशंस की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशंस की वैल्यू देखने के लिए ये पोजीशन है अल्फा, ये पोजीशन है बीटा, ये है गामा और ये है गामा और ये है डेल्टा। तो अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है आपकी एक, बीटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है आपकी एक, गामा पर कोई नहीं है, डेल्टा पर एक। तो अल्फा पर एक 10 नैनोमीटर, बीटा पर एक 12 नैनोमीटर, डेल्टा पर एक 18 नैनोमीटर। तो टोटल वैल्यू जो होगी इसकी वो हो गई 265। एक बार दोबारा देख लीजिए, 215 इसकी बेस वैल्यू, एक्सोसाइक्लिक है दो रिंग के लिए तो 10 वैल्यू एक्सोसाइक्लिक के लिए दो रिंग के लिए। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं, देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, तो सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन है इसके अल्फा पर एक, बीटा पर एक, डेल्टा पर कोई नहीं है और गामा पर कोई नहीं है और डेल्टा पर एक। तो एक अल्फा पर, एक बीटा पर और एक डेल्टा पर, टोटल वैल्यू 265 नैनोमीटर। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की, एंड उसकी कीटोन के एग्जांपल लेके हमने वुडवर्ड फीचर रूल को अप्लाई किया उसके ऊपर, अप्लाई करके लैम्डा मैक्स जो कंपाउंड की एक्सपेक्टेड थी वो हमने ट्रीटमेंट की। आई होप आपको समय आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा।